तो देखिए ये प्रदर्शन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। रीड मसले को लेकर लगातार सीबीआई जांच की मांग बीजेपी करती नजर आ रही है और तस्वीरें इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर जुटे हैं और धरना यहाँ पर दिया जा रहा है। मांग साफ तौर पर यही, जैसे कि शुरुआत से हम कह रहे हैं, मांग साफ तौर पर बीजेपी यही कर रही है कि सीबीआई जांच कराई जाए रीट मामले को लेकर। हालांकि कांग्रेस की तरफ से साफ कह दिया गया है, हालांकि कांग्रेस की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया, जब बीजेपी सरकार में सड़क के वाक्य सामने आए तब सीबीआई जांच नहीं कराई गई, तो आखिर हमसे मांग क्यों की जा रही है सीबीआई जांच के। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ सहयोगी विष्णु इस वक्त मेरे साथ सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। विष्णु, देखिए तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं दर्शकों को टीवी स्क्रीन पर कि बीजेपी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है, एक मांग साफ तौर पर कि सीबीआई जांच कराई जाए। क्या तस्वीर, क्या अपडेट, क्या जानकारी? बिल्कुल, भाजपा लगातार इस मामले में हमलावर हो रही है, रखी है, और अब आज बड़ा प्रदर्शन यहाँ पर है। विधानसभा घेराव का मामला रखा गया और इसको लेकर धीरे धीरे कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ गई। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों में, अब कार्यकर्ता जुटने लगे हैं, मंच तैयार हो गया है। अब नेता जो है प्रदेश भाजपा प्रभारी अरुण सिंह और प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया यहाँ पहुँच चुके हैं। इसके साथ जो इनके सांसद हैं, बीजेपी विधायक हैं और जिला अध्यक्ष हैं, उनके समर्थन में जितने तमाम मोर्चा हैं उनके पदाधिकारी यहाँ धीरे धीरे जुट रहे हैं। हालांकि जो बीजेपी की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि जो कार्यकर्ता हैं उनके वाहनों को जयपुर शहर की सीमा के बाहर रोका जा रहा है, और इसको लेकर लगातार वो आरोप लगा रहे हैं कि साहब वाहनों को आने दिया जाए। इस वजह से अभी संख्या जुट नहीं पाई है जितनी संख्या वो बता रहे थे तादाद में, परंतु यहाँ अब धीरे धीरे रंग जमने लगा है कि यहाँ जो भाजपा कार्यकर्ता हैं वो पहुँचना उनका सिलसिला शुरू हो गया है। बड़ी संख्या में अब धीरे धीरे कार्यकर्ताओं का हुजूम जुटने लगा है और अब इसके थोड़ी देर बाद यहाँ पर जो भाजपा के प्रदेश प्रभारी हैं अरुण सिंह, जो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हैं सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सहित तमाम लोग जो यहां पर मंच पे सामने से कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और उसके बाद विधानसभा घेराव के लिए कूच करेंगे और यहां से कूच रवाना होगा और फिर धीरे धीरे ये बढ़ेंगे आगे। हालांकि पुलिस ने माकूल व्यवस्था कर रखी है इनको रोकने के लिए, बैरिकेटिंग जगह जगह बैरिकेटिंग लगाई हुई है और बैरिकेटिंग का प्रभाव यह है कि आप जहां जहां आप देखेंगे वहां पर रोका जा रहा है। और यहां विधानसभा से यहां का करीब रास्ता 1 किलोमीटर का एरिया है, पर लगभग 3 से 4 जगह बैरिकेटिंग लगा रखी है और मजबूत बैरिकेटिंग लगा रखी है बल्लियों सहित, ताकि किसी तरह का अगर विरोध भी हो या आगे बढ़ने की जद्दोजहद हो तो नहीं बढ़ पाए और उसको रोकने का प्रयास किया। एक बैरिकेटिंग अगर तोड़ते हैं जैसा पिछली बार किया तो दूसरी बैरिकेटिंग पर और ज़्यादा मजबूती के साथ किया गया है, आप देख सकते हैं सीधा सीधा, और यहाँ लगातार कार्यकर्ताओं का हुजूम है वो बढ़ रहा है। और अब उसके बाद अब जब यहाँ तमाम प्रदेश प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष ये अपना संबोधन करेंगे उसके बाद कूच के लिए रवाना होंगे। आप सीधी तस्वीरों को देख सकते हैं, मेरे पीछे भी कुछ है, कुछ कार्यकर्ता है जो बाहर पूरे देश प्रदेश भर से आए हुए हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं युवाओं में जोश है, अलग अलग ग्रुपों में बैरिकेटिंग कर रहे हैं। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग सांगानेर के शोपुर मंडल से आए हैं सर। शोपुर मंडल से क्या प्रदर्शन है सीबीआई जांच की मांग को लेकर, कितने लोग कितने जुटने की संभावना? यहाँ पे हजारों की संख्या में कार्यकर्ता जुटने को तत्पर है। जो गहलोत सरकार द्वारा जो युवाओं के साथ जो नाइंसाफी की गई है, उनको जो बेरोजगार रखा गया है, जो रीट परीक्षा में जो धांधली की गई है, उसके निमित्त जो सीबीआई जांच को मांग को लेकर हम सभी पूरे प्रदेश के युवा मोर्चा, किसान मोर्चा के सभी कार्यकर्ता आज विधानसभा घेराव को लेकर यहाँ पर एकत्रित हुए। तमाम जो मोर्चा हैं, चाहे भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा हो, युवा मोर्चा हो, महिला मोर्चा हो, किसान मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, जो तमाम मोर्चे हैं उनके पदाधिकारी कार्यकर्ता के साथ जो भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है कि यहाँ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुँचे और इसी का प्रयास किया जा रहा है कि अभी तक जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ से वाहनों में कार्यकर्ता यहाँ पहुँच रहे हैं। जयपुर शहर के भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता धीरे धीरे आ रहे हैं, लगातार कार्यकर्ताओं का पहुँचने का सिलसिला बना हुआ है। अब करीब एक से डेढ़ घंटे बाद ये प्रदर्शन जो घेराव है वो शुरू होगा, उसके बाद पता चल पाएगा कि वास्तविक स्थिति कितनी है, जिन्होंने इन्होंने जो आकलन किया था उस हिसाब से प्रदर्शन होगा या उसका होगा। मेरे साथ एक और कार्यकर्ता आ गए हैं, आप बात कर सकते, क्या है आपका प्रदर्शन में और कितने लोग आए पहुँचेंगे? मैं बांसवाड़ा से आया हूं और बांसवाड़ा से बड़ी संख्या में युवा और महिला कार्यकर्ता रीट की जिस प्रकार सरकार ने धांधली की है, हमारे जनजाति क्षेत्र में बहुत आक्रोश है। माननीय अशोक गहलोत और उनके सरकार के खिलाफ
जनता सड़कों पे है और लोग अपने उत्साह से स्वयं के खर्चे से लोग यहाँ आए हैं सरकार को अपना बात करने के लिए। बिल्कुल बांसवाड़ा से ये आए हैं कार्यकर्ता और इनका कहना है कि रीट भी जो परीक्षा में धांधली हुई है उसको लेकर लगातार आक्रोश है और ये आक्रोश न केवल युवाओं में किसानों में बल्कि सभी तमाम जो वर्ग हैं उनमें आक्रोश है। मेरे साथ कुछ और कार्यकर्ता हैं उनसे बात करते हैं। क्या मैं जोधपुर से हूँ और अशोक जी को आपकी ये जो पेपर जो लीक किया ना इस बारे में युवा भी बहुत जोश में और गुस्से में आया हुआ है। ये जो जितना घोटाला किया ना इनका सब बाहर निकलेगा। आप बिल्कुल इनमें आक्रोश साफ दिखाई दे रहा है। और आप क्या सर, मैं किसान मोर्चा जेतन से अध्यक्ष हूं और जिस तरह से हमारे विधायक जी अविनाश जी गहलोत ने मांग उठाई थी सीबीआई जांच कराने की और उनको बर्खास्त किया गया था तो हम सभी युवा बहुत गुस्से में हैं और आज हजारों की तादाद में हमारे विधायक अविनाश जी के पक्ष में। अब बिल्कुल इनका कहना है कि जो युवा हो चाहे बुजुर्ग हो चाहे किसान हो तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो आक्रोशित हैं और उनकी सिर्फ एक ही मांग है सीबीआई जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच के अलावा और कोई मांग नहीं है। हालांकि अभी कुछ देर पहले हमारी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया से बात हुई थी, उन्होंने भी कहा था कि सीबीआई जांच अगर अभी हो जाए तो सरकार जा सकती है और अगर नहीं गई तो 2023 में सरकार का जाना तय है और 2023 के बाद जब भाजपा सरकार आई तो सीबीआई जांच करवाई जाएगी। इसको लेकर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सरकार 7 जन्म तक, भाजपा 7 जन्म तक सीबीआई जांच के लिए प्रतिबद्ध है इस मामले में और जो जो दोषी होंगे उन्हें सीखचों के पीछे पहुँचाया जाएगा। ये उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है और अभी कुछ समय बाद जब ये प्रदर्शन घेराव रवाना होगा तो उनसे फिर बात की जाएगी। बिल्कुल, और ये तस्वीरें सदन की कार्यवाही की जमकर हंगामा यहाँ पर देखा।